नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पीएच को परिभाषित किया जाएगा। पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल की क्या उपयोगिता है तथा कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान बताया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पीएच अंग्रेजी में सामान्यतः पावर ऑफ हाइड्रोजन अथवा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा क्षमता अथवा सांद्रता कितनी है, ये पीएच के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसी को हम पीएच कहते हैं। अब सूत्र के रूप में पीएच को कैसे लिखते हैं, देखिए, पीएच बराबर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक बराबर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ये हुआ सूत्र। अब ये जो हल करने पर जो वैल्यू आएगी उसी को हम पीएच मान कहते हैं। अब पीएच मान के आधार पर ही पीएच स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। तो देखिए, पीएच स्केल क्या होता है, ये है पीएच स्केल, यानी यदि किसी विलयन का 7 है पीएच मान तो वह उदासीन होगा, यदि 7 से अधिक है तो क्षारी होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। 7 है तो क्या है, उदासीन है, और 7 से ज्यों ही बढ़ना शुरू करेगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और घटना शुरू करेगा यहाँ से तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो ये पीएच स्केल के द्वारा क्या किया जाता है, ये परिभाषा के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता, यानी वो अम्ल है कि क्षार है, इसको व्यक्त करने के लिए हम जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसी को पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान। पदार्थ पीएच मान, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त ब्लड खून का पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, और मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नोट, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर है उसका पीएच मान फंक्शन जो है इसी के बीच होता है। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्ली वर्षा कहलाता है, यानी जो वर्षा होती है उसके जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्ली वर्षा कहलाती है। नमस्कार।